जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों। लाड लोग, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जिस वैकेंसी का पिछले 6 साल से इंतजार था वो वैकेंसी अब जाके आई है। हाँ, जितने पोस्ट पर वो आनी थी उससे कुछ अच्छे पोस्ट पर आई है और कुछ हिसाब से देखे तो कुछ कम पोस्ट पर आई है। लेकिन हाँ, स्पेशली इस भर्ती का इंतजार हर एक युवा कर रहा था, क्योंकि ये वैकेंसी, लास्ट जो वैकेंसी 2018 में आई थी उसके बाद में आरपीएफ कॉन्स्टेबल की वैकेंसी अब आई है। और इसके जो फॉर्म है वो भी आने वाले 15 अप्रैल से भरे जाएंगे 14 मई तक, ठीक है। तो एक इसमें खास बात और है कि जिन बच्चों के एसएसजीडी में जो ओवरएज हो गए थे या जिनकी हाइट कम थी, स्पेशली वो बच्चे इस भर्ती का बहुत इंतजार करते हैं, तो उनका अब सपने साकार होने वाले हैं। और मैं खुद इस वैकेंसी का बहुत इंतजार करता हूं, क्योंकि रेलवे का स्पेशली हमेशा हम गारंटेड बेस लेके आते हैं और आरपीएफ कॉन्स्टेबल का तो 100% लेके आएंगे। आने वाली 1 तारीख से, यानी 1 मार्च से, हम आरपीएफ कॉन्स्टेबल का गारंटेड बेस जारी करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमारी अकेडमी भी आ सकते हैं। अब मैं आपको इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। पोस्ट ऑफ वैकेंसी 4208 पदों पर ये वैकेंसी आई है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, और आप दोनों की तैयारी के लिए एकेडमी आ सकते हो। देखो, जो इसमें सबसे खास बात है वो है एज 18 से 28, यानी एज में। वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एज में जो छूट मिलती है लाडलो वो मिलती है 18 से 25 इसकी नॉर्मल एज आती है। इसमें 3 साल की छूट दी गई है और इसको कर दिया 18 से 28 साल, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से है, आपकी एज 28 तक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी, ध्यान रखना 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। ये व्हाइट पत्र आपको कम दिख रहा होगा, ये मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी का, उसमें डाल देंगे, वहां पे भी आप देख लेना, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको आप समझ लीजिए। 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी, 18 साल तक अगर आप जनरल कैटेगरी से तो फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी के लिए जैसे 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, वो भी है। और स्पेशली इसमें जो हाइट है वो चाहिए 165 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से। और वहीं एसएससी जीडी में हाइट और आर्मी में हाइट कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। एक तो हाइट में अच्छी छूट मिल जाती है, ठीक है। पेपर का इसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको अगले एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल इसका सिलेबस बता दूंगा। वैसे मोस्टली इसका फिक्स है, जैसे 35 क्वेश्चन जीके के आने हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं। ये 3 सब्जेक्ट की ही टोटल है इसमें, ठीक है। इसका जो सिलेबस का पूरा वीडियो मैं अलग से आपको बना दूंगा। 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, ध्यान रखना, एक तो मैथ, एक रीजनिंग और एक जीके, जीके के साथ में जीएस भी आती है, ध्यान रखना। ये पूरा इसका सिलेबस है, ठीक है। इसमें कुछ जो पद है वो आरपीएफ कॉन्स्टेबल के हैं, आरपीएफ एसआई की जो पद है वो आए हैं 457 और आरपीएफ कॉन्स्टेबल के जो पद है वो है लगभग 4200 और कुछ पद, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी है वो 4660 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है लाडली, ठीक है। इसके फॉर्म भर देना और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में अगर अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं, तो आपको कमांडो एकेडमी आना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमी में स्पेशली हम आने वाली 1 तारीख से एक नया बैच शुरू करेंगे। 1 से 10 तक उसमें एडमिशन होंगे और 10 तारीख से बैच जारी रहेगा जब तक आरपीएफ कॉन्स्टेबल का पेपर ना हो जाता, ठीक है लाडलो। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आपके पास में आ गया, अच्छे पदों पर वैकेंसी भी आ गई है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।